क्या आपको पता है कि आपके लगभग 2.5 करोड़ रुपए डूब चुके हैं और आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। क्यों मांगी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी और जिस मुद्दे की आज हम बात करने वाले हैं उसमें अफसर के नए खुलासे हैं। किस पर? सिस्टम पर। और क्या इससे एनडीए को चुनावों में नुकसान हो सकता है? सवाल यही है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कैसे डूबे आपके 2.5 करोड़ रुपए, दूसरा सिस्टम की बेईमानी पर अफसर का क्या खुलासा है, और तीसरा है क्या है विपक्ष का जूते मारो आंदोलन सरकार के खिलाफ, चौथा एनडीए में क्या फूट पड़ गई है, और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने माफी क्यों मांगी, पांचवा विधानसभा चुनावों में इस पूरे मुद्दे का कितना पड़ेगा असर। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, ये तस्वीर देखकर आप मुद्दा तो समझ गए होंगे लेकिन शुरू की कहानी मैं आपको बता देती हूं। देखिए ये है तस्वीर 4 दिसंबर 2023 की, महाराष्ट्र में शिवाजी के स्टैचू का उद्घाटन होता है। उसके बाद लगभग 7-8 महीनों के बाद 26 अगस्त 2024 में आंधी की वजह से ये पूरा का पूरा स्टैचू गिर जाता है और आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के लिए और इनफैक्ट पूरे भारत के लिए इनका जो पद है, इनका जो पूरा का पूरा जो रेलेवेंस है वो भगवान के तौर पर है और अब इस पर बवाल हो जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आपके कैसे डूब गए 2.5 करोड़ रुपए। तो देखिए वही कहानी है, दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र में लगी शिवाजी की मूर्ति वो मैं आपको दिखा चुकी हूं। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस पर इसका अनावरण करते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी मराठा साम्राज्य की नींव, ये आपको पता होगा। नौसेना दिवस समारोह पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है जिसको अनावरण किया जाता है और आपको देख लीजिए कि कैसे 7 से 8 महीने में तेज आंधी की वजह से ये पूरी की पूरी मूर्ति बिखर जाती है, टूट जाती है। और ये जो 2.5 करोड़ हैं, 2.44 करोड़, ये किसका है? वो जनता का पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का, वो आपका पैसा है जो इस प्रोजेक्ट में लगते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं 7 महीनों में असलियत सामने आ जाती है। अगस्त 2024 को 7 महीने बाद आंधी से पूरी की पूरी मूर्ति बिखर जाती है। अब इस पूरे मामले पर सरकार बैकफुट पर है, विपक्ष को एक बैठे बैठे बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कैसे आप टैक्स पेयर का पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद महाराष्ट्र के जो भगवान हैं, जो भगवान माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मूर्ति के साथ ऐसा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे वो कहते हैं पैर छूकर माफी है, 1000 बार पैर छूकर माफी महाराष्ट्र के लोगों से मांगी है। ये देखिए ये जब सुबह से पूरा जो मामला, कल से पूरा मामला, और देखिए 2 दिन से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। अजीत पवार ने भी 13 करोड़ लोगों से माफी मांगी है महाराष्ट्र के, लेकिन फिर आता है प्रधानमंत्री मोदी का माफीनामा। वो आज महाराष्ट्र में थे और वहां से बोलते हैं मैं अपना सिर झुकाकर इधर माफी मांगना चाहता हूं। फडणवीस बोले राज्य सरकार का रोल नहीं, सदमे है पूरा। डिप्टी सीएम है जो महाराष्ट्र के फडणवीस, वो बोलते हैं देखिए इसमें राज्य सरकार का रोल नहीं है, हाँ ये बुरा हुआ है, हाँ ये गलत हुआ है, पूरा का पूरा राज्य सदमे है, लेकिन इसमें जो पूरा रोल है वो नौसेना का है यानी नेवी का है। और आपको पता होगा, आपको अगर हिस्ट्री में बता देती हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी बनाई थी, उनका नेवी में एक बड़ा योगदान है और उनके साथ ऐसा इस तरीके से हो जाना, उनकी मूर्ति के साथ ऐसा हो जाना, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। और इसलिए ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में मंच से माफी मांगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए दोज हु कंसिडर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज एज देयर डीटी एंड हैव बीन डीपली हर्ट, आई बाउ माई हेड एंड अपोलोजाइज टू देम। ये छोटी सी जो क्लिप है पहले आप वो देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है, हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं हो। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मैं पूरी क्लिप आपको आगे सुनाऊंगी लेकिन आपको अभी तक पता चल गया है कि कितना बड़ा मामला हो गया है। लोग कमेंट्स में ये लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार माफी मांगी लेकिन ये जो सिस्टम की बेईमानी सामने आई है, ये जो अफसर का खुलासा है, अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। देखिए सिंधुदुर्ग पुलिस ने ठेकेदार चेतन पाटिल को किया है अरेस्ट और महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर जो हैं राजीव मिश्रा, उनका एक खुलासा होता है। वो कहते हैं कि भैया सिर्फ 6 फीट परमिशन दी गई थी कि हम जो ये मूर्ति है वो सिर्फ 6 फीट की बनाएंगे,
करेंगे, लेकिन नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की यह मूर्ति बना दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा। आगे देखिए, मूर्तिकार ने मिट्टी का मॉडल दिखाकर परमिशन ले ली, यानी झांसा देकर बोला हम 6 फीट की बनाएंगे, लेकिन 35 फीट की बना ली। और ये भी नहीं बताया कि उसमें स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति बन जाती है, पीएम मोदी आके उसका उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन सिस्टम के पीछे की ये कहानी अब पता चल रही है। स्टेट पीडब्ल्यूडी ने नौसेना को तकरीबन 2.44 करोड़ यानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए दिए, ट्रांसफर किए थे, क्योंकि पूरा का पूरा मामला नौसेना की निगरानी में हो रहा था। और फडणवीस भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं, मंजूरी के बाद ऊंचाई बढ़ा ली होगी, ये कहना है डायरेक्टर राजीव मिश्रा का। यानी अभी भी इनके पास कोई क्लियरेंस नहीं है, इतनी बड़ी मूर्ति बन जाती है, और ये जो सिस्टम का झोल है ये पहले तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये मूर्ति टूट के गिर जाती है उसके बाद पता चलता है, और अब इससे बवाल मच गया है। कांग्रेस का पोस्ट पढ़ा देती हूँ। महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अभी भी कांग्रेस इससे खुश नहीं है। उनका कहना है लेकिन ये माफी नहीं, ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस अक्षमय पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो वे महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को अपने पद से हटाएं। देखिए, ये विपक्ष की मांग हो चुकी है कि अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो सबसे पहले सीएम और डिप्टी सीएम को हटाया जाए, साथ ही इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की संलिप्तता थी उन पर कड़ी कार्रवाई करे। राज्य का ये अपमान महाराष्ट्र, पूरा का पूरा महाराष्ट्र न भूलेगा न माफ करेगा, ये कहना है कांग्रेस का। और देखिए किस तरीके से उससे पहले इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इन्होंने मुहिम चलाई थी कि माफी मांगा मोदी, और इस तरीके से बोला था सिर्फ 8 महीने बाद ही ये प्रतिमा ढह गई, और इसमें कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा है ना। ये देखिए पूरी तस्वीरें दिखा देती हूँ कि क्या होता है उस पूरी प्रतिमा का। ये वो मूर्ति थी, इसको पूरा का पूरा अनावरण किया गया था। आप नीचे देख सकते हैं, आपको शिंदे दिखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी दिखेंगे, रामनाथ कोविंद दिखेंगे, फडणवीस दिखेंगे, आपको सारे इधर नेता दिख रहे हैं कि कैसे इस मूर्ति का जब अनावरण किया गया था, लेकिन अब की तस्वीर आपके सामने है। वैसे ही अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर आरोप लगाया, भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जाता है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी भ्रष्टाचार सामने सामने, आप देखिए मैं आपको कंटिन्यूअसली तस्वीरें दिखाती जा रही हूं। पवन खेरा ने तो और भी आगे बढ़कर कुछ और आरोप लगा दिए प्रधानमंत्री मोदी पे, बीजेपी सरकार पर। मोदी जी, महाराष्ट्र जानता है कि आपकी चुनावी माफी है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ये चुनावी माफी अगर ढोंग नहीं कर रहे हैं तो आपने फारुखाबाद कटनी में महिला अत्याचारों को लेकर भी माफी मांगनी चाहिए, और वो सारी चीजें, चाहे मणिपुर हो, महिला पहलवान हो, आपको आंदोलन में 750 किसानों की शहादत पर भी माफी मांगनी चाहिए, आपको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, अग्निवीरों से माफी। तो जितने भी मुद्दे थे पवन खेरा ने यानी विपक्ष ने देखिए उठा दिए हैं कि आपने इस पे तो चुनावी माफी मांग ली, लेकिन इन सब मुद्दे पे आप कैसे और कब माफी मांगेंगे। तीसरा देखिए कि क्या है विपक्ष का जूते मारो आंदोलन। और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ने शुरू से ही पूरे दिन भर से तैयारी कर रखी थी सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू। संजय राउत ने इसका ऐलान किया, और भगवान की मूर्ति पर हुआ भ्रष्टाचार। उनका कहना है शिवाजी महाराज की सिर्फ मूर्ति नहीं है, हमारे लिए उनका दर्जा भगवान समान है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एमवीए 1 सितंबर को मार्च करेगा, ये उनका जूते मारो आंदोलन का एक हिस्सा है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले सब लोग मौजूद रहेंगे। और देखिए चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये सब तो हुआ, विपक्ष तो हमलावर है ही, विपक्ष ने तो इसको मुद्दा बना ही दिया, बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया, क्योंकि ऐसा सब कुछ हो जाता है। लेकिन एनडीए में भी फूट चल रही है, महाराष्ट्र में एनडीए के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। वो कैसे, एक ताज़ा बयान सामने आ जाता है, तानाजी सावंत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि शिंदे सेना के हैं, वो ये कहते हैं कि बैठक में जब मैं अजीत पवार के बगल में बैठकर मुझे उल्टी आती है। सोचिए ऐसा बयान उनका सामने आता है। शिंदे, अजीत और फडणवीस में जो नाराजगी है वो आपसे छुपी नहीं है, आप सबको पता है। विपक्ष ने की थी मोदी की माफी की मांग, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांग ली तो विपक्ष तो यही कहेगा हमारी जीत हुई है, राहुल के आगे पूरा का पूरा जो है बीजेपी सरकार झुक गई और मोदी झुक गए, विपक्ष का यही कहना है। और वो ऐसे ही आगे नैरेटिव को पूरा का पूरा चुनावों में इस्तेमाल करेंगे। अब पांचवा सवाल यही आ जाता है, विधानसभा चुनावों में कितना पड़ेगा असर। तो देखिए सवाल दो है कि क्या ये माफ़ी मांगकर महाराष्ट्र को शांत कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, कि जो ये आगामी चुनाव हैं उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगकर इस पूरे मुद्दे पर पूर्ण विराम लगा दिया है, या फिर विपक्ष को और दे दी है मजबूती, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि हमारे आगे, हमारी आवाज़ के आगे पूरे के पूरे जो है ये झुक गए हैं मोदी जी, और चुनावों के नतीजे देंगे इस बात का जवाब। देखिए ये क्लियर है
कि ये या तो उन्होंने शांत कर दिया है या फिर विपक्ष को और मजबूती दे दी है, और इसके जो नतीजे हैं वो आपको तभी पता चलेंगे जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होते हैं और इस बात का जवाब मिलता है कि कौन सत्ता पे बैठेगा। और देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा गणित बता देती हूँ महाराष्ट्र विधानसभा की, अभी स्थिति क्या है, कुल सीटें 288, बहुमत का आंकड़ा है 144, एनडीए के पास है 162, इंडिया गठबंधन के पास है 125 और खाली है 1। इधर अगर मैं आपको लोकसभा की के रिजल्ट्स बताती हूँ कि आपको पता चले लोकसभा में कितनी सीटें किस हिसाब से दी गई थी, तो इसमें इंडिया का प्रदर्शन जो है वो बेहद ही चौंकाने वाला था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की अगर आप कुल मिलाकर सीटें देखते हैं तो 30, और अगर आप एनडीए की देखते हैं तो 17। तो अगर मैं लोकसभा के हिसाब से जाती हूँ तो देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की मजबूती है, और कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मुद्दा हो गया है, देखिए वो आज गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और देखिए कैसे 76,000 करोड़ का महाराष्ट्र में उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, ये वहां की तस्वीर है, और उसके बाद सामने आती है उनकी माफी। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र की लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। अब इस पूरे सिनेरियो में विपक्ष इसको चुनावों में कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे बीजेपी सरकार इसको इस्तेमाल करती है और कैसे चुनावों पे ये असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप न्यूज 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।